हेलो सेकंड क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश बुक जिनिया. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक. ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सौंदर्य प्रतियोगिता. किंग रोरी द लॉयन वॉज द किंग ऑफ द जंगल. किंग रोरी ये नाम है शेर का, जो कि जंगल का राजा था. ही वॉज स्विफ्ट एंड पावरफुल, वो बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज था. बट ही वॉज काइंड, परंतु वह दयालु था. हिज बर्थडे वॉज टू डेज लेटर, कि दो दिन के बाद उसका जन्मदिन था. ही हेल्ड अ जनरल काउंसिल, उसने एक आम सभा का आयोजन किया. ऑल एनिमल्स अटेंडेड इट, और सारे के सारे पशु उसमें हिस्सा लेने के लिए आए. द किंग सेड, राजा ने कहा, वेल यू नो माई बर्थडे फॉल्स टू डेज फ्रॉम नाउ, कि आप सब जानते हैं कि दो दिन के बाद मेरा जन्मदिन है. लास्ट टाइम वी हैड हेल्ड अ रेस विच द टाइगर वॉन, कि आप सबको याद है कि पिछली बार हमने एक रेस का आयोजन किया था जिसमें कि चीता जीत गया था. मिनिस्टर ट्रम्पी द एलिफेंट सेड, किंग द टाइगर वॉन बिकॉज ही इज़ द स्विफ्टेस्ट. तो उसका मंत्री था ट्रम्पी, जो कि एक हाथी था. उसने कहा, राजा जी चीता इसलिए जीत गया था क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ता है. देर इज़ नो चांस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए तो कोई मौका ही नहीं था. किंग रोरी सेड, राजा रोरी ने कहा, वट शुड वी डू दिस ईयर, कि तो फिर इस साल क्या करेंगे. मास्टर रबी द रैबिट सेड, मास्टर रबी जो एक खरगोश था उसने कहा, आई थिंक वी शुड होल्ड अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिस टाइम, कि इस समय हमें एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए. किंग रोरी वॉज हैप्पी, राजा रोरी था वो बहुत खुश हुआ. ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, वेल द आइडिया इज़ गुड, कि ये जो तरकीब है ये अच्छी है. वी विल हैव अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, कि कल के बाद जो अगला दिन आएगा उसमें हम एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे. कम ड्रेस्ड एज वेल एज यू कैन, कि अच्छे से तैयार होके आना, कि जितना अच्छे आप पहन सकते हो उतने अच्छे कपड़े पहन के आना. देर वॉज एक्साइटमेंट इन द जंगल, जंगल में एक्साइटमेंट रोमांच फैल गया. एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर द कॉन्टेस्ट, कि हर कोई व्यस्त हो गया सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारी करने में. आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल सेड मास्टर रबी टू हिमसेल्फ, मास्टर रबी ने, खरगोश ने अपने आप से कहा कि मैं सबसे सुंदर हूँ. माई कॉट इज सिल्वरी, कि मेरा जो कलर है वो एकदम सफ़ेद है. आई डोंट नीड टू प्रिपेयर इन एनी वे, मुझे किसी भी तरीके से तैयार होने की आवश्यकता नहीं है. आई एम एज ब्यूटिफुल एज द मून, कि मैं तो एकदम चांद जितना सुंदर हूँ. ओनली आई नीड टू टेक अ बाथ दैट आई विल, मुझे केवल नहाने की ज़रूरत है जो कि मैं ज़रूर करूँगा. मिस्टर जेबी द जेब्रा वॉज एग्जीसियस, मिस्टर जेबी जो एक जेब्रा था वो बहुत चिंता में था. एज ही स्टूड बिफोर द मिरर, कि जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, ही सा दैट ही हैड अ फ्यू टू मैनी स्ट्रिप्स, उसने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारी धारियाँ हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई डोंट थिंक दी स्ट्रिप्स लुक गुड, कि मुझे नहीं लगता कि ये जो धारियाँ बनी हुई हैं मेरे शरीर पर ये सुंदर लगती हैं. आई मस्ट पेंट दैम ऑल इन वन कलर, कि मैं इन सबको साड़ियों को एक ही रंग में रंग देता हूँ. सो ही टुक द ब्रश एंड कलर एंड पेंटेड हिमसेल्फ वाइट, उसने क्या किया, ब्रश उठाया और सारे शरीर पे अपने वाइट कलर कर दिए, सारी की सारी स्ट्रिप्स वाइट हो गई. मिस्टर मिकी द मोंकी सेड टू हिमसेल्फ, मिस्टर मिकी जो एक बंदर था उसने अपने आप से कहा, माय कोट इज़ अ सिंगल डल कलर, कि जो मेरा ये जो कोट है ये एक ही रंग का है. लेट मी हैव स्ट्रिप्स लाइक दोज ऑफ अ जेब्रा, तो मुझे भी ना जेब्रा की तरह मेरे शरीर पे भी स्ट्रिप्स होनी चाहिए थी, धारियाँ होनी चाहिए थी. दी स्ट्रिप्स लुक रियली प्रेटी, कि वो जो धारियाँ होती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं. सो ही पेंटेड येलो स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, इसीलिए उसने अपने शरीर पर पीले रंग की धारियाँ लगा ली. मिस्टर हेरी द बियर
मिस्टर हैरी जो कि एक भालू था लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा एंड सैड और बोला द क्लाउन कैप विल लुक स्मार्ट ऑन माई ब्लैक बॉडी, कि वो जो जोकर वाली टोपी होती है ना वो मेरे काले शरीर के ऊपर अच्छी लगेगी। सो ही स्टिच्ड हिमसेल्फ अ कलरफुल कैप, इसीलिए उसने अपने आप एक रंग बिरंगी टोपी सी ली। अदर एनिमल्स टू प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द कॉन्टेस्ट, दूसरे पशुओं ने भी अपने अपने तरीके से कॉन्टेस्ट की तैयारी की। द हॉर्स टाइड रोप अराउंड हिज नेक टू लुक लाइक द लायंस मेन, घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने अपनी गर्दन के चारों तरफ रस्सी बांध ली ताकि वो भी शेर के गर्दन पे जैसे बाल होते हैं ना उसके तरह जैसे दिखाई दे। द कैमल वोर लूज पायजामा टू मेक हिज लेग्स लुक लाइक एन एलिफेंट्स, ऊंट ने अपने पैरों को हाथी के पैरों जैसा बनाने के लिए एक पायजामा पहना। द काउ मेड अ क्राउन फॉर हर हॉर्न्स, गाय ने अपने सींगों के लिए एक ताज बनाया। द कॉन्टेस्ट स्टार्टेड, कॉन्टेस्ट शुरू हो गया। ऑल एनिमल्स लाइंड अप बिफोर किंग रोरीज डैन, सारे के सारे पशु लाइन लगा के राजा रोरी की गुफा के बाहर खड़े हो गए। ही वॉकड आउट एंड इंस्पेक्टेड ऑल कंटेस्टेंट्स, राजा बाहर आया और वो देखने लगा सारे के सारे प्रतिभागियों को, जितने भी उसमें हिस्सा ले रहे थे सबको देखने लगा। मैनी एनिमल्स लुकड ऑन इन अम्यूजमेंट, कि बहुत सारे पशु आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। दे स्क्रीम्ड व्हेन द किंग वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द कंटेस्टेंट्स शेकिंग हिज हेड अप एंड डाउन, वो चिल्लाने लगे जब उन्होंने राजा को अपने सामने से आते जाते हुए देखा और वो अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाने लगे। एंड देन ही सेट ऑन हिज थ्रोन, उसके बाद राजा आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। हु इज़ द विनर आस्क्ड मिस्टर ट्रम्पी, कौन विजेता है, मंत्री ट्रम्पी ने पूछा। वी लिव इन द नेचर, हम प्रकृति में रहते हैं, सो वी मस्ट लुक नेचुरल, इसीलिए हमें अपना प्राकृतिक रूप ही दिखाना चाहिए। वी शुड टेक प्राइड इन हाउ वी आर, हमें हम जैसे भी हैं हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। आई डोंट लाइक एनी ऑफ देम, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। आई लाइक मास्टर रवि, मुझे मास्टर रवि पसंद आया। ही हैज़ नॉट डन एनी मेकअप, उन्होंने किसी प्रकार का कोई मेकअप नहीं किया है। आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है। आई डिक्लेयर हिम द विनर, और इसीलिए मैं उन्हें विजेता घोषित करता हूँ। ऑल एनिमल्स रेज्ड अ लाउड क्राई, एवरीबडी स्टूड इन प्रेज एंड क्लैप्ड, सभी पशुओं ने एक साथ ऊंची आवाज़ में वो सारे एक साथ चिल्लाए और सारे के सारे खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाई। मिनिस्टर ट्रम्पी पिक्ड अप मास्टर रवि इन हिज ट्रंक एंड रेज्ड हिम हाई, मिनिस्टर ट्रम्पी ने मास्टर रवि को अपनी सूंड से ऊपर उठा लिया। द ब्यूटी कॉन्टेस्ट वॉज ओवर, सौंदर्य प्रतियोगिता पूरी हो चुकी थी। नाउ एवरीबडी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मास्टर रवि, कि अब हर कोई मुबारकबाद दे रहा था मास्टर रवि को। इन द एंड, आखिरी में ऑल एनिमल्स सैंग इन कोरस, सारे के सारे पशुओं ने एक साथ गाया हैप्पी बर्थडे टू किंग रोरी, आपको जन्मदिन मुबारक हो राजा रोरी, लॉन्ग लाइफ किंग रोरी, आप लंबी आयु तक जीवित रहें राजा रोरी। ये आपका इंग्लिश का चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में सेंड करूँगी।